बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज क्वेश्चन 4 की एक्सप्लेनेशन करनी है हमने। कल मैंने आपको निशान लगवा दिया था, फ्रूट यानी फल। द राइपन ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। पकी हुई ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं। द इनर ओवरी वॉल फॉर्म्स अ फ्रूट वॉल। ओवरी की जो अंदर वाली वॉल्स होंगी वो फ्रूट की वॉल्स बनाएंगी, यानी कि उसकी दीवारें बनाएंगी। कॉल्ड द पेरिकार्प, जिसको हम पेरिकार्प कहेंगे। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो होंगे वो सीड को बनाएंगे। मेच्योर्ड फ्रूट मे कंटेन सिंगल और मैनी सीड्स। और जो फ्रूट तैयार हो जाता है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा बीज मौजूद होते हैं। पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर्स इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीचिस एंड मैंगोस। पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं ज़्यादातर फ्रूट्स में, मसलन पीचिस एंड मैंगो, आड़ू और आम वगैरह में। द आउटर लेयर इज़ स्किन। आउटर लेयर जो होती है वो स्किन होती है। मिडल लेयर इज़ फ्लैशी एंड इनर लेयर इज़ टफ और हार्ड। मिडल लेयर, दरमियान वाली लेयर जो होती है वो फ्लैशी होती है, और इनर लेयर जो होती है वो टफ और हार्ड सख्त होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प। कुछ फ्रूट्स के जो पेरिकार्प होते हैं वो हार्ड और खुश्क होते हैं। एग्जाम्पल नट्स, मूंगफली। डायग्राम की तरफ आ जाइए। ये देखिए, स्किन बाहर वाली आउटर लेयर जो है, और जो अंदर जो है वो सारा फ्रूट का जो गुदा भरा हुआ है वो फ्लैश, और ये सीड अंदर मौजूद है बीज। इनर लेयर जो है वो ये वाली है। ठीक है, कंप्लीट होगी एक्सप्लेनेशन आपकी, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आज कंप्लीट होगी। डायरी के लिए आ जाइए। 8 जून, लेक्चर 27 है, यूनिट 3, लॉन्ग क्वेश्चन 4 एक्सप्लेनेशन थी। और यकीनन आप लोगों ने कल इसको नोटबुक पर लिख लिया होगा, और आज लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।